व्हाट्सएप आजकल हर कोई हर काम के लिए यूज़ कर रहा है। उसकी लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं, परंतु कुछ अपडेट्स फायदेमंद होती हैं और कुछ बड़े बग्स दे जाती हैं। ऐसी ही एक अपडेट जिसके बारे में आजकल हर कोई चर्चा कर रहा है, मैं भी यहाँ अपने आईफोन के अंदर लेटेस्ट व्हाट्सएप की अपडेट को यूज़ कर रहा हूँ। बट यहाँ पे जो फीचर्स थी उसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, जो कमी आई उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। इस लेटेस्ट अपडेट के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मुझे मिली व्हाट्सएप लिंक को लेकर। जब आप अपने आईफोन के व्हाट्सएप को व्हाट्सएप वेब या विंडोज़ पीसी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या है मामला? प्रॉब्लम्स आती हैं परंतु उनका सोल्यूशन भी होता है, उसके लिए कस्टमर सपोर्ट भी, बट यहाँ तो सारा ही मामला गड़बड़ है। चलिए बात करते हैं क्या प्रॉब्लम थी और व्हाट्सएप सपोर्ट ने उसका क्या सोल्यूशन दिया। व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे व्हाट्सएप वर्जन देख सकते हैं, 2.239.77 है। और इस व्हाट्सएप को मैं यूज़ करना चाहता हूँ व्हाट्सएप का, क्योंकि अभी नया फीचर है विंडोज़ की तरफ से। उसके लिए तो उसके लिए मैंने विंडोज़ स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड की है। इस एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं और इस एप्लीकेशन का भी देख पाएंगे आप, मैं लेटेस्ट वर्जन 2.23.18.2.0 यूज़ कर रहा हूँ, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो फिर समस्या क्या है? जब मैं इसको अपने व्हाट्सएप को इसके साथ लिंक करने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे लिंक्ड डिवाइसेस, ये मेरा एक डिवाइसेस विंडोज़ के साथ ऑलरेडी लिंक है, उसको मैंने हटाया नहीं, इसलिए प्रेजेंटली अभी भी कनेक्ट है। बट अब नए डिवाइस को मैं लिंक करता हूँ, पहले इस पीसी के साथ लिंक था, अभी मैंने उसको हटा दिया है, तो दोबारा से लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो लिंक नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे लिंक के डिवाइस के ऊपर जाता हूँ, फेस आईडी को स्कैन करता हूँ, आप देख सकते हैं, एंड यहाँ ओके के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम करते हैं गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड, यहाँ पे कोड बना हुआ आएगा, इस कोड को स्कैन करते हैं। कोड स्कैन हो जाता है और ये चलता रहेगा, ये लंबे समय तक चलता रहेगा और यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ये मेन प्रॉब्लम है इसके साथ, क्योंकि इतना लंबा टाइम इसमें लगता नहीं है, फिर भी लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा। अभी 9:43 हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक दिस इट सेज दैट सिंक्रोनाइजिंग कीप ऐप ओपन, आई विल कीप दिस ऐप ओपन, बट फिर भी वहाँ पे डाउनलोडिंग मैसेज का ये स्टेटस लगातार चलता रहेगा। यस, अनएक्सपेक्टेड एरर, सो दिस टाइप ऑफ मैसेज विल कम एंड हियर यू कैन सी इट इज सिंक्रोनाइजिंग कीप ऐप ओपन। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, अब इस लिंक को देखिए, अब इसमें कहा क्या गया है आप देखिए इस चीज़ को। प्लीज लिंक अगेन, स्कैन QR कोड फ्रॉम योर फोन, बी श्योर योर फोन एंड योर कंप्यूटर आर एट गुड इंटरनेट। माई कंप्यूटर इज वर्किंग वेरी वेल, इंटरनेट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। एंड अगेन अगेन फोन में तो सेम टाइप का मैसेज यहाँ पे आ चुका है, अभी ये चल रहा है, देखते हैं। 9:48 हो चुके हैं। अगेन द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम अपीयर्स हियर, यू कैन सी, प्लीज लिंक अगेन एंड QR कोड एंड शो ऑन, इट विल रिपीट अगेन एंड अगेन, इट्स नॉट वर्किंग। लेट्स ट्राई ऑन व्हाट्सएप वेब, लेट मी ओपन हियर एंड हियर इज द ब्राउजर एंड हियर इज द व्हाट्सएप वेब, लेट्स ट्राई टू कनेक्ट वेदर इट विल वर्क और नॉट। लिंक के डिवाइस, ओके, यस, इट्स फास्टर देन दैट, बट विल इट कनेक्ट, द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस। 9:50 हो चुके हैं, ये भी लेगा 2-3 उसी तरीके से, एंड अल्टीमेटली इट विल नॉट कनेक्ट। एंड इफ आई अनइंस्टॉल दिस ऐप एंड री इंस्टॉल देन माई ओल्ड चैट्स मे गो वेल ऑन बोथ ऑफ दिस, एंड फॉर दैट आई विल शो यू द ग्राफ विच इज वर्किंग फाइन, इट्स वर्किंग फाइन, बट वट हैपन्स हियर, सॉरी हियर दिस वन, यस दिस टाइप ऑफ मैसेज कम्स एंड फ्रॉम हियर इट विल डिसअपियर। Couldn't link device, keep WhatsApp open on your phone, device linking and learn more. This error occurs and again, if you have any solution then please give a solution.
इसके लिए मैंने व्हाट्सएप सपोर्ट को एक मेल किया और अच्छी बात ये रही कि उनका मेल का रिप्लाई भी आया। उन्होंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे मुझे सजेस्ट किए जो कि ये स्टेप्स मैं पहले ही कंप्लीट कर चुका था, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स के लिए कहा कि आप कुछ स्क्रीनशॉट्स हमें भेज सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट की बजाय वीडियोज रिकॉर्ड किया पूरे मैटर का जितना भी था, और वो वीडियो जो आपको दिखाया सेम वीडियो उनको कस्टमर सपोर्ट को भी भेजा। देन कस्टमर सपोर्ट की तरफ से रिप्लाई आया कि आप वीडियो अटैच करके भेजिए, जबकि मैं वीडियो पहले ऑलरेडी उसके अंदर अटैच कर चुका था। ये मैंने दोबारा से उनको मैसेज किया कि ऑलरेडी अटैच इन प्रीवियस मेल, वो सारी चीज़ें अटैच हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं उसको। बट अनफॉर्चुनेटली कमाल का सिस्टम है उनका, कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाया इस मेल को। जो अटैचमेंट आपको मेल के अंदर दिखाई दे रहा है जो उनको भी डिलीवर हुआ है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अटैचमेंट उनको मिला ही नहीं। पता नहीं ऐसा कस्टमर सपोर्ट है, सिर्फ बोट होंगे, हो सकता है कोई आदमी वहां पे देखने वाला हो ही ना, और वो मैटर को सोल्व करना ही नहीं चाहते हों, दिखावे का भी हो सकता है। मैसेंजर ऐप को लेकर बात करते हैं तो व्हाट्सएप मैसेंजर ऐप का जो प्रतिद्वंदी बनता है वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम में व्हाट्सएप से कहीं ज्यादा फीचर्स हैं, इसी कारण से ज्यादातर लोग आज भी बड़े ग्रुप बनाने के लिए या अपने लिंक को शेयर आदि करने के लिए टेलीग्राम का यूज करते हैं। उसके अलावा भी वहां पर बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जिसको पाने के लिए शायद व्हाट्सएप को बहुत लंबा समय तय करना पड़ेगा। खैर वो सारी चीजें एक अलग बात है, परंतु एटलीस्ट कस्टमर सपोर्ट को इतना जरूर सोचना चाहिए कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका कुछ ढंग से सोल्यूशन किया जाए। क्या आपके व्हाट्सएप के साथ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, और उसका कोई सोल्यूशन भी आपको मिला है वो भी नीचे ज़रूर लिखें, ताकि मैं यहाँ पे अगर कोई गड़बड़ कर रहा हूँ तो उसका सोल्यूशन मिल सके। व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन मैं अपने आईफोन के ऊपर भी और पीसी के ऊपर भी यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे पहली बार मैं जब विंडोज़ ऐप जो कि एक अलग से कहती है कि उसके लिए फ़ोन को कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, उसके बावजूद भी वो कनेक्ट नहीं हो पाती। बार बार डिसकनेक्ट होने के बाद वहाँ पे मैसेज आता है कि इसको आप कनेक्ट कीजिए व्हाट्सएप वेब के साथ, और जब व्हाट्सएप वेब पे कनेक्ट किया जाता है वहाँ पे भी प्रॉब्लम सेम रहती है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है, उसके अलावा एक और प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ टेक्स्ट मैसेज हमें करना हो वो इजीली चला जाता है, परंतु आपको कहीं इमेज सेंड करनी है या वीडियो कोई छोटा सेंड करना है तो आप जब एक बार सेंड कर देते हैं तो वो इस पे अपलोड तो हो जाता है परंतु सेंड नहीं होता। उसके लिए व्हाट्सएप को अगेन क्लोज करना पड़ता है, और दोबारा से जब व्हाट्सएप ऐप को ओपन करते हैं तभी उसको हम भेज पाते हैं। ये एक छोटी सी अपडेट थी अपडेट के बारे में, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आपको कोई सॉल्यूशन मिलता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, मुझे भी अगर कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो आपको अपडेट जरूर दूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।